तो रिसेंटली आज से 3 दिन पहले राउंड 12 वालों का एक ऑफिशियली ट्रेलर आया था अपनी वीडियो को लेकर कि हम इस वीडियो को अनाउंस करने वाले हैं, इस वीडियो को पब्लिश करने वाले हैं ऑन यूट्यूब पर। और आज के दिन मदर्स डे वाले दिन उन लोगों ने अपनी वीडियो को पब्लिश कर दिया यूट्यूब पर। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लेंदी होने के साथ साथ, जैसे ये पिछली अपनी 3 वीडियोज ऐसा ही कर रहे हैं, 4 महीने बाद इनकी एक और वीडियो आई है। इसके पहले जोम्बी का पार्ट 2 इन लोगों ने दिया था, तो उसके हिसाब से ये अपनी वीडियो काफ़ी लेंदी कर रहे हैं। तो इससे कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हो रहे हैं, मैं लास्ट में कन्वर्सेशन करूँगा। लेकिन अभी आते हैं वीडियो के रिव्यू पे कि इन लोगों ने इस वीडियो में दिखाया क्या है। जहाँ पे इस वीडियो का मेन टाइटल होने वाला है मैन ऑफ मिशन, और इसमें 5 आदमियों को इंट्रोड्यूस कराया गया, 5 ऐसे अनपढ़ जाहिल गंवार करेक्टर जो भाई इन लोगों ने चूज करके रखा है कि वो कोई ऐसा मिशन पे जा रहे हैं। तो उसमें जिनका पहला नाम होने वाला है जलजला, दूसरे का तबाही, तीसरे का वंडर, चौथे का भूकंप और 5वें का भूचाल। तो इन मतलब सभी चमन चूतियों का नाम सेम रखना है, क्योंकि इनको ऐसे करेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना है वीडियो में जो कि एकदम अनपढ़ जाहिल और गंवार हो। उस वीडियो में पूरा वही दिखाया गया है। और ये लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं। एज इनके ऊपर भी कोई, इसके ऊपर भी बड़ा एक मूर्ख करेक्टर है जो कि इनका बड़ा आका है, जिसमें इनको लोग अपने आप को आका बोलते हैं, बस में ऐसा ही कुछ करते हैं। लेकिन इनका मिशन भी जिस तरह से ये लोग करते हैं काफी चूतियों वाला मिशन है कि भाई ये लोग अपनी खिचड़ी और कुछ एडिडास के जूतों के लिए सब सब करते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस वीडियो में लोगों ने 2 चीज का प्रमोशन किया, 2 या 3 मानो, एक 11 सर्कल और दूसरा एडिडास के जूतों का। तो प्रमोशन से ही काफी पैसा आगे हो गया, और जब पैसा ज्यादा होता है ये लोग कुछ आगे का करने का सोचते हैं। तो इसीलिए ये लोग अपनी वीडियो को काफी लेंदी बनाते हैं, और पूरे वीडियो में इन लोगों ने बस ऐसे ही बकचोदी की है, क्योंकि इनका काम ही है, इसी की वजह से वो काफी वायरल भी हैं। अच्छी बात है, कहीं ना कहीं यही सब करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को काफी ज्यादा ये प्यार ज्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि पहले वीडियो से इस वीडियो का अगर कंपैरिजन करें तो कुछ गालियां कम हो गई हैं, लेकिन सीरियसपन बहुत ज्यादा आ गया है। इसी बात से पब्लिक इनको काफी सपोर्ट करती है। और जिस तरह इन लोगों ने वीडियो बनाई कि मिशन करना है, हमने अपने बैकग्राउंड वीडियो का भी थोड़ा सा इन लोगों ने सीन डाला है, सिनेरियो दिखाया गया है इंग्लिश वाले टीचर का, जो कि भाई 4 साल पुरानी वीडियो का है, जिस जब मैं भी इसे देखता था। फैन के नाते ना बोलकर हम इसको बस ऐसा सीरियस रखते हैं कि इन लोगों ने वीडियो में क्या दिखाया जाए। हाँ, इन लोगों को कुछ नहीं पता होता, टाइम भी दूसरे से देखते हैं, पर आका बनते हैं। इनको मिशन तक नहीं पता होता है इनके आका का मिशन क्या है। अपने बड़े आका से पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि 1 महीना लेट था ये मिशन, लेकिन लोग खिचड़ी खाने और एडिडास के जूते पहनने और फलाने भैया तबाही जिनका नाम, वो रशियन के चक्कर में इस मिशन को 1 महीने पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं, और जिसके चक्कर में इनको काफी झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ मदर्स डे के लिए एक माँ की अच्छी बात इन लोगों ने कही है, तो माँ कहती है किसी निर्दोष बच्चे को नहीं मारते हैं, इससे इंसानियत का खतरा होता है। तो मतलब कुछ अच्छाई भी ये लोग अब दिखाना चाहते हैं, मतलब ऐसे समझो एकदम सीरियस वे में अब ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि पब्लिक को ये कुछ अच्छा दिखाना चाह रहे हैं। तो ये लोग अपनी पिछली हरकतों को छोड़कर थोड़ा सुधार कर रहे हैं, लेकिन जैसा माइनॉरिटी में बात करें तो लोग क्राइटेरिया को काफी अच्छा सुधार रहे हैं। लेकिन इससे डिसएडवांटेज ये है कि काफी लंबी वीडियो बनाने पर आपको पब्लिक उतना देर तक नहीं देखती है, इसी वजह से लोग आपको आधी वीडियो पर छोड़कर चले जाते हैं और पूरा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये कि मतलब एज अ स्मॉल वीडियो बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा इनकी पब्लिक के लिए, ज्यादा पब्लिक इस तरह रुकती नहीं है वीडियो पे। लेकिन जैसा भाई इनका सिनेरियो, इनका प्यार है, इनकी पब्लिक है, तो वो तो रुक के देखती है, लेकिन मिर्च मसाला लोग बराबर डालते हैं। और इसका कोई पार्ट वार्ट नहीं आने वाला है, कहानी एज सीरियस वे में हो जाती है, और ये अपनी लीडरशिप दे के बस ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, आपस में सब एंड हो जाता है। इसका कोई पार्ट वार्ट नहीं आएगा कि तुम सोचो अगला पार्ट आएगा। लेकिन जिस तरह इन लोगों ने बनाया, काफी ऑसम बनाया है करेक्टर को, एज अ सबको रिप्रेजेंट किया कि वो जो आए थे एकदम गवार, उनको टीवी पे आना कितना पसंद था, मतलब ऐसे तुम समझ सकते हो एकदम बैकग्राउंडल करेक्टर को उठाया गया और इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसी के साथ पूरा वीडियो का एपिसोड खत्म कर देते हैं, और आप अभी तक देखें कि नहीं, आप जाके देखना, काफी अच्छा बनाया गया है, काफी अच्छा है, मोटिवेशन भी मिलता है। और वीडियो को जिस तरह इन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी काफी पहले, उसके हिसाब से काफी आगे जा चुके हैं, तो आपको मोटिवेशन बहुत मिलेगा। और आप बताइए इसका रिव्यू कैसा लगा आपको, और क्या जानकारी चाहिए कमेंट करना, हम आपको अगली वीडियो में ला के देंगे।